गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर 4 आर्टिकल्स इन ग्रामर। ओके, as you know, what are articles? What is articles? Three articles are there, a, an, and the. These are articles. Okay? Good morning, ma'am. First of all, tell me how many letters are there in alphabet? Who will tell? How many letters in alphabet? How many letters are there? Sahil? Good morning, ma'am. Good morning. Sahil, how many letters are there in alphabet? In alphabet, how many letters? Don't know. Sahil? Yes, ma'am. How many letters? A, B, C, D में कितने letters होते हैं? Ma'am, I tell. Yes, Diya, you tell. 26. Yes. 26 letters are there, and in these 26 letters, how many vowels? How many vowels? J, how many vowels are there? Ekam, you tell. 5 vowels. Okay, which vowels? What are vowels? Tell me. A, B, I for you. Very good. And the others are called Ekam. Ekam. Good morning, beta. Ekam. Others are called? Yes. 5 vowels and others? Others are called? Sahil, you tell. Ma'am, 21. 21, okay. What are these called? Inko kya bolte hain, jo others letters hain, other letters. Unko kya bolte hain? 5 vowels are there in alphabet. And the rest of the letters? Dusre letters ko kya bolte hain? Yes? Sorry? Ma'am, consonants. Consonants. Yes. Consonants. These are called consonants. Okay? So, the words starting with vowels. Which words starting with vowels we will use? An. With a singular noun. Jo singular noun hai aur jo word vowel se start ho raha, uske saath hum use karenge an. Okay? We will use an. We use a before common nouns which are singular in number. और a किसके साथ use करेंगे? जो common noun भी है और जो singular है. a किसके साथ use होगा? Singular noun के साथ. an भी singular noun के साथ. a is using with the words starting with consonant. जो consonant से start हो रहे हैं like chair. Chair किससे start हो रहा है? C से. C से start हो रहा है? A chair. Table. A table. Okay? Computer. A computer. A computer. House. A house. Tree. A house. Tree. A tree. A tree. So we will use a with the singular noun and
द वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ हम ए यूज करेंगे, एंड एन विद सिंगुलर नाउन, एन भी सिंगुलर नाउन के साथ होता है, ए और एन का मतलब है ए, वन वन मीन्स सिंगुलर नाउन. सो ए एंड एन आर यूजिंग विद सिंगुलर नाउन्स, एंड एन इज यूजिंग विद द वर्ड्स स्टार्टिंग विद वोवल, जो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं. द वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विद वोवल वी विल यूज एन, उनके साथ हम एन यूज करते हैं सिंगुलर नाउन में. ठीक है, द नाउन शुड बी सिंगुलर, देन वी विल यूज ए एंड एन. ए द वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, एंड द वर्ड स्टार्टिंग विद वोवल, वोवल से स्टार्ट होने वाले. ओके, डैश एंड, ए एन टी एंड, डैश एंड क्या यूज करेंगे योगेश्वर, जानवी, जानवी डैश एंड, जानवी जानवी ओके, साहिल यस मैम, एंड एंड के साथ क्या यूज करेंगे यस मैम, एंड एंड मामा, एन एंड एन, ए एन टी एंड है ना बेटा, एन एंड दिया, दिया ट्री डैश ट्री मैम, अ ट्री, अ ट्री वेरी गुड, डैश ग्लास, अ ग्लास 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 ओके, अ ग्लास ओके, डैश कंप्यूटर, अ कंप्यूटर डैश कंप्यूटर, डैश गार्डन, डैश गार्डन अ गार्डन, अ गार्डन ओके. नाउ यूज ऑफ एन, ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज ओके, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस देयर इज डैश ऑक्टोपस इन द सी, देयर इज डैश ऑक्टोपस इन द सी, ऑक्टोपस से पहले एन, देयर इज एन ऑक्टोपस इन द सी, सी में एक ऑक्टोपस है ओके. टाइगर डैश टाइगर वॉज गोइंग इन द जंगल, डैश टाइगर अ टाइगर, टाइगर के साथ ए, अ टाइगर वॉज गोइंग इन द जंगल. एन आर, नाउ टेल मी एच ओ यू आर, दिस इज आर, एच ओ यू आर, तो यहां भी हम एन यूज करेंगे. वाई, बिकॉज द साउंड इज अ, की साउंड आ रही है इसमें, इसको हम बोलते हैं एच ओ यू आर को बोलते हैं आर, तो अ की साउंड आ रही है ना, तो यहां भी हम एन यूज करेंगे, एन आर ओके. ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, व्हाट विल यूज, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, एन एन एन. व्हाई, ऑनेस्ट की स्पेलिंग, ऑनेस्ट स्पेलिंग इज एच ओ एन ई एस टी, तो हम इसको वी विल नॉट से ऑनेस्ट, नेक्स्ट आता है यस, नेक्स्ट आता है, सो The sound is O, honest man. O की sound है इसलिए हम उसमें N use करेंगे. An honest man. He is an honest man. Okay? Honest start with vowel sound O when we pronounce. The letter H is silent. उसमें H silent है और हम जब उसको pronounce करते हैं तो वो honest बोलते हैं. We pronounce honest as honest. Same goes for N, R. Okay? U in utensil is read U. Therefore, utensil begins with a consonant sound. Utensil में हम utensil नहीं बोलते हैं उसको, utensil, U, Y. So, Y is not vowel. तो, a utensil बोलेंगे. वो start हो रहा है U से, but we will say a utensil. Okay? Now, vowel sound, consonant sounds. A as in apple or ant, E as in eagle or egg, I as in ice cream and ink, O as in orange and octopus,
यू एज इन अम्ब्रेला और अर्न. कॉन्सोनेंट साउंड्स बी एज इन बैट, डी एज इन डॉग, एफ एज इन फैन, के एज इन काइट या वाई एज इन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म अ यूनिफॉर्म एंड नॉट एन यूनिफॉर्म अ यूनिफॉर्म. बिकॉज जब हम यू को प्रोनाउंस कर रहे हैं व्हेन वी विल प्रोनाउंस यू देयर इज द साउंड इज य, हिंदी का य, तो वो वॉवल नहीं है, दैट इज नॉट वॉवल. सो वी विल यूज अ यूनिफॉर्म. द आर्टिकल ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. दे पॉइंट टू अ जनरल पर्सन और थिंग. वो इनडेफिनेट होते हैं, वो किसी भी जनरल पर्सन और थिंग के साथ आते हैं, तो उनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं. किसको? ए एंड एन को. द आर्टिकल्स ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. उनको कौन से आर्टिकल्स बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. विच आर्टिकल्स? इनडेफिनेट आर्टिकल्स, क्योंकि वो जनरल पर्सन और थिंग के साथ यूज होते हैं, किसी के साथ भी यूज हो जाते हैं. ओके. I saw an army of soldiers running down the mountain. मैंने soldiers की एक army देखी, an army. There is a pit of snakes in this dry well. Pit. So we will use A. Tina bought a pencil and an eraser. Pencil के साथ A and an eraser. Please pass me an ice cube. Ice cube के साथ an. Can you see? ये दिख रहे हैं आपको? Okay. She wrote a book. Book के साथ A. I have an uncle in Delhi. He is an architect. Architect के साथ an. Uncle. We use an with uncle and architect. The sky had a high-tech umbrella. High-tech. High-tech के साथ A. I have reached to an advanced level in NFS. Advanced. There is A, so we will use an. Do you have an extra pencil? Extra. There is E. Okay. Now use of the. Article the. अब the का use देखेंगे हम. The is called definite article. A and N are indefinite articles. The is definite article. We use the when we talk about a particular person or thing. जब हम किसी particular person or thing के बारे में बात करते हैं तभी the use होता है. So the is definite article. Okay? A and N are called indefinite articles. The is called definite article. Okay? Example, the Ganga is a holy river. Ganga is a particular river's name. Particular चीज का नाम है ना, so we will use the. When we talk about a person or thing for the first time, we use A or N. In a paragraph, in a line, if we will use first time a person or thing, we can use A and N. But if we are using the second time same thing, same noun को हम second time use कर रहे हैं कहीं भी, then we will use the. तब हम उसके साथ the use करेंगे. Okay? See, I saw a girl. Here is A with girl. But second time there is the with girl. Why? Because girl is repeating in this sentence. The sentence, the girl was playing. नेक्स्ट टाइम हमने द गर्ल के साथ द यूज किया. सो अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? हैव यू अंडरस्टूड कि जब हम एक नाउन को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं देन वी विल यूज ए और एन. अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है देन ए, और वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो एन. बट व्हेन दिस नाउन इज रिपीटिंग अगेन, जब हम उसको उसी वे में फिर से रिपीट करते हैं तब हम उसके साथ द यूज करते हैं नेक्स्ट टाइम. We use the before the name of river, seas, oceans, mountain range, holy books, buildings, trains, etc.
किसी न्यूज़पेपर, पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम है, किसी रिवर का नेम, माउंटेन्स नेम, होली बुक्स नेम, लाइक रामायण, द रामायण, हम बोलेंगे द रामायण, द हिमालयस, हिमालय एक पर्टिकुलर माउंटेन का नेम है, द हिमालयस, द यमुना एंड बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, ओनली वन मीन्स इसके जैसी कोई दूसरी चीज जो नहीं है, अपनी तरह की एक ही चीज है. विद दीज थिंग्स वी विल यूज द, लाइक गिव एग्जाम्पल, गिव मी एग्जाम्पल्स, द योगेश्वरी सन इज ओनली वन बट स्टार्स आर मैनी, स्टार्स तो बहुत सारे हैं. अ स्टार हम यूज कर सकते हैं बट हम जब स्टार्स बोलते हैं तब द यूज करते हैं, बट स्टार्स एक ही नहीं है, वन वन ऑफ इट्स काइंड मीन्स जैसे अर्थ द अर्थ, जैसे मून द सन, यही है द सन द अर्थ, यही एक है. स्टार्स आर मैनी, स्टार्स तो बहुत सारे होते हैं ना. सो विद द रिवर्स नेम, किसी भी रिवर के नेम से पहले, किसी माउंटेन के नेम से पहले, किसी फेमस बुक के नेम से पहले, किसी फेमस बिल्डिंग के नेम से पहले, वी विल यूज द. ओके नाउ ताजमहल, ताजमहल इज अ फेमस बिल्डिंग, द ताजमहल. ओके टू कॉन्सेप्ट्स आर देयर, ओनली वन काइंड ऑफ इट्स थिंग, मतलब इसके जैसे एक ही थिंग है उसके साथ, और एक नाउन जो दोबारा रिपीट हुआ है उसके साथ. एंड एंड यस गुड, बिकॉज दिस इज अ फेमस बिल्डिंग, लोटस टेम्पल, द इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी फेमस बिल्डिंग है, फेमस प्लेस है. द ताजमहल, ये बहुत बड़ा फेमस होटल है, द ताजमहल, ये होटल भी है और बिल्डिंग भी है, द ताजमहल. द नाउ वन मोर थिंग, द कहाँ पे यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री, व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, ईएसटी वाली डिग्री. ओके सुपरलेटिव डिग्री मीन्स एडजेक्टिव की थ्री डिग्री जो होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, वी विल यूज द विद सुपरलेटिव डिग्रीज. ओके द किसके साथ यूज होता है, जैसे दिया इज द टॉलेस्ट गर्ल, द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, द स्मॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द हार्डेस्ट, जो जिसमें जो एडजेक्टिव की ईएसटी वाली डिग्री होती है, ईएसटी जिसमें लगता है, वेयर वी विल यूज द. ओके लाइक द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द लाउडेस्ट वॉइस, द ब्राइटेस्ट स्टार, द ओल्डेस्ट मेंबर, ओल्डेस्ट, द यंगेस्ट बॉय, द हाईएस्ट माउंटेन. ओके द हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, जो सबसे ज्यादा होता है, द बेस्ट गर्ल, द बेस्ट बॉय. ओके बिफोर द वर्ड्स फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट के साथ भी हम द यूज करते हैं. द फर्स्ट बेंच, ही इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, ए फर्स्ट बेंच नहीं बोलेंगे ना हम, द फर्स्ट, ही इज सिटिंग, शी इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, अ लास्ट बेंच नहीं बोल सकते, द लास्ट बेंच. ओके Now complete the sentences with A and or the. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. The hill यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि इस poem में उस hill का ये वो describe किया गया है hill को, तो वहाँ पे the hill है उस poem में. This is a poem and there is da in this poem.
Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Okay. Dash Earth revolves around Dash Sun. Dash Earth. क्या आएगा यहाँ पे? The Earth revolves around the sun. Anil is Dash Honest Man. Honest के साथ? An honest man. Dash bird perched on dash window of my room. A bird perched on the window of my room. I looked at the bird. See, here is A with bird because the bird is using first time here. Then when it repeats the bird lovingly. I saw the bird. मेरी विंडो पे एक बर्ड आया. बाद में उस बर्ड के साथ द यूज होगा. मैंने बर्ड को अच्छे से लविंगली देखा. डैश आईज ऑफ डैश कैट ग्लो इन द डार्क. आईज के साथ द आईज ऑफ द व्हाई आईज के साथ द यूज क्यों हुआ. व्हाई इज द वन मिनट व्हाई इज द विद आईज आईज के साथ द क्यों है. Can we use an with eyes? An eyes is right? No. Why? Because this is plural. We can't use an with eyes. यहाँ तो e है, starting with e. But this is plural. तो जो plural होता है और जिसके साथ हम a और an use नहीं कर सकते हैं, we can use the. वहाँ पे हमें the use करना है. The eyes of a cat glow in the dark. The French tourist had a great time in India. French tourists. यहाँ पे tourists है. So this is plural. ये plural है. So we will use the. Alka Singh and Karan went for a tour. Tour पे गए एक. So a tour. My sister reads the Hindu newspaper. The Hindu is particular newspaper's name. तो हम यहाँ पे the use करेंगे. The Hindu. I found the ball that was lost in the bushes while playing. तो यहाँ पे ball first time आया है, लेकिन ball का पहले वो खो गई थी, तो वो ball पहले use हो चुकी है. So उस particular ball की बात कर रहे हैं. We are talking about that particular ball. So we will use the. I found the ball that was lost in the bushes while playing. तो यहाँ पे a use नहीं कर सकते. मुझे एक बॉल मिली जो खो गई थी, वो एक नहीं है, पहले खो गई थी, इसका मतलब उसका यूज पहले हो चुका. सो द बॉल. ग्रोइंग ओल्ड इज अ नेचुरल प्रोसेस. अ नेचुरल प्रोसेस. ओके, टेक द करेक्ट ऑप्शन. मे आई टेक कलर पेंसिल. द रेड कलर पेंसिल मतलब वो पूछ रहा है कि मैं रेड कलर वाली पेंसिल ले लूं, मतलब एक पर्टिकुलर पेंसिल की बात हो रही है. सो वी विल यूज द. इट टुक अस एन आर टू रीच द एयरपोर्ट. एन आर, आर के साथ एन. द ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी. ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी. द ऑनेस्टी वी विल नॉट यूज. शी इज अ ब्यूटिफुल वुमन. अ ब्यूटिफुल. वी आर डाइनिंग एट चाइनीज रेस्टोरेंट. आयुषी इज अ स्कॉलर. स्कॉलर के साथ ए. अभय हैज एन ओल्ड कार. ओल्ड के साथ एन. गिव मी अ स्टैम्प. माई मोबाइल हैज एन एप ऑफ सिक्योरिटी लॉक. एन एप. एप के साथ एन. बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई इन द स्काई. स्काई के साथ हम यूज करेंगे द. In the
passage given below, some articles are missing. Fill in the blanks with suitable articles. I have dash fat. I have khaki. I have dash fat. Fat के साथ क्या आएगा? I have a dash fat. क्या आएगा यहाँ पे? Fat. Fat के साथ क्या use करेंगे? योगेश्वरी I have a pet named Angela. It is dash dog. Sahil. It is a dog. My father bought it when I was young. We play all dash time. We play all the time. ऐसे बोलते हैं ना टाइम ऑल ए टाइम नहीं होता ऑल अ टाइम नहीं होता ना ऑल द टाइम. एंजेला लिव्स इन डैश कैनल. कैनल के साथ लिव्स इन अ कैनल. आई टेक इट टू डैश पार्क एवरी इवनिंग. टू द पार्क एवरी इवनिंग. एंजेला प्लेज विद डैश ओल्ड टॉय ऑफ माइन. ओल्ड के साथ एन ओल्ड टॉय ऑफ माइन. व्हेन आई एम नॉट अराउंड डॉग बिस्किट्स आर एंजेलास फेवरेट. ओके ओके. Tick the correct sentence in each pair. Can you get me a pen, please? Can you get me an pen, please? Which is right? Ma'am, can you get me a pen, please? Yes, first one is, this one is right. We will tick here. Okay. My uncle has an old vase. My uncle has the old vase. First or second? Which is right? My uncle has an old vase because we were using vase first time. जब हम यूज करते तो एन होता है. डू यू हैव एन वन रूपी कॉइन. डू यू हैव अ वन रूपी कॉइन. विच इज राइट फर्स्ट और सेकेंड. Who will tell the reason? Why is there a 1 rupee coin? क्यों है? क्यों बोल रहे हैं हम? Because यहाँ तो O है. No. No, listen. Do you have a 1 rupee coin? This is right. But यहाँ पे O के साथ A क्यों use हुआ है? What's the reason? Who will tell? A 1 rupee coin क्यों बोल रही हूँ मैं? Ma'am, क्योंकि ये plural है. No. Ma'am, क्योंकि ये. No. Singular है. No, बेटा. अभी पहले मैंने बताया था ना इनका यूज साउंड पे कॉन्सेंट्रेट ऑन साउंड. देखो अ 1 रुपी कॉइन क्यों बोल रही हूँ मैं? डब्ल्यू का साउंड. यस, जो हिंदी में जब हम बोल के देखते हैं ना तो व आ रहा है. व ये अ की साउंड नहीं है. ए आ ई ई इनकी साउंड नहीं आ रही है. इसमें व की साउंड आ रही है. तो व तो कॉन्सोनेंट है. यस कैथी, वेरी गुड, आपने अच्छा दिमाग लगाया. यू हैव अ 1 रुपी कॉइन. अ 1 रुपी जब हम साउंड अलग है ना इसकी. ओ को हम अ की साउंड में नहीं बोल रहे ना. ओ की साउंड में. तो 1 रुपी कॉइन वी आर स्पीकिंग. सो वी विल यूज ए 1 रुपी कॉइन. ओके नेक्स्ट. सचिन इज अ गुड स्टूडेंट. सचिन इज द गुड स्टूडेंट. Sachin is? Sachin is a good student. No,
सचिन इज अ गुड स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे सचिन दोबारा भी यूज नहीं हुआ, गुड पॉजिटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो द क्यों यूज होगा यहाँ पे, अ यूज होगा। महक वन द शो इंडियाज गॉट टैलेंट, महक वन अ शो द इंडियाज गॉट टैलेंट, महक वन द शो इंडियाज गॉट टैलेंट, फर्स्ट वन। देयर इज एन अमेरिकन इन माई नेबरहुड, देयर इज एन अ अमेरिकन इन माई नेबरहुड, एन अमेरिकन, अमेरिकन के साथ एन। डोंट टच अ पैन इट इज हॉट, डोंट टच द पैन इट इज हॉट, फर्स्ट वन राइट है कि सेकंड वन? देयर इज एन अमेरिका इन माय सेवंथ वन, सेवंथ वन। डोंट टच अ पैन, डोंट टच द पैन, व्हिच इज राइट? डोंट टच द पैन, द पैन, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग, because we are talking a particular about a particular pen, एक particular pen के लिए बोल रहे हैं ना कि इसको touch मत करो, don't touch the pen, ठीक है? In whose memory was Taj Mahal built? In whose memory was the Taj Mahal built? Which is right? The Taj Mahal built. Yes. You need to see a doctor. You need to see the doctor. You need to see a doctor. You need to see the doctor. Which one, right? A doctor. First one is right. Okay. Now we will use a doctor. Use appropriate articles to complete the story. Here is a story. One summer afternoon, a grasshopper was hopping about in a field. यहाँ भी a grasshopper के साथ and here is also a field. He was singing merrily and enjoying the day. A day नहीं होता है, उस दिन particular day की बात कर रहे हैं. We are talking about that particular day, so the day. On his way, he met an ant. Ant पहली बार used हुआ है, तो an ant. Who was struggling to take a grain of corn to her nest? The grasshopper was. यहाँ पे देखो, a grasshopper था, but it is repeating here. This noun is, so we will use that. The grasshopper was a lazy fellow. A lazy fellow. वो एक lazy fellow था. He had nothing to do, so when he saw the ant, ant is again using. बेटा ऑफ योर स्पीकर्स प्लीज, मच डिस्टर्बेंस इज देयर. ओके, ही सो द एंट, ही सेड व्हाई डोंट यू कम एंड चैट विद मी इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग सो हार्ड. टॉयलिंग सो हार्ड मतलब हार्ड वर्क करने की बजाय तू मेरे साथ क्यों नहीं आती हो. सो वी विल हैव अ ग्रेट टाइम, अ ग्रेट टाइम, हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. The ant said, again the ant said, the आया ant के साथ, I'm trying to collect and store food for the winter. A winter नहीं होता ना, winter is a season, तो वो एक ही टाइप की होती है, winter एक बार आता है, एक season का नाम है, so the winter. The grasshopper yawned and said, winter is too far away, there is plenty of time, we worry about it today, when I have more than enough to eat. But the ant went to her way. The ant. Again, ant is repeating, so the. Say, days passed, then months. The grasshopper. Again, grasshopper, you will use. So, the grasshopper enjoyed himself and the ant collected enough food for the winter. When the winter came, the leaves had fallen. Leaves. Here is leaves. Leaves is plural. So, we will use the. Fallen and the grass was dry. The grasshopper had nothing to eat. He started snow and he had nowhere to go. On the other hand, the ant was enjoying the fruits of her hard work. Fruits means, this is plural, so we will use the. She had a nice and cozy home and plenty to eat. Then the grasshopper regretted not working hard when he should have. The grasshopper, यहाँ भी grasshopper के साथ the. Okay? The chapter is over. I think you have understood properly the use of articles a and the. Okay?
The class is over now. Goodbye, bye, everyone. Bye, have a nice day. Bye. Bye. Thank you, ma'am, for teaching us. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am, for teaching us. Bye, ma'am. Thank you for teaching us. Bye, ma'am.